हो अगर नियम कायदे कानून की बात करने वाले खुद को कानून से भी ऊपर समझे, ऐसे मामले में वो होता है जो तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है। बीच सड़क खुलेआम गुंडागर्दी होती है, मारपीट की जाती है और ये कोई और नहीं बल्कि खुद बीजेपी के पार्षद कर रहे हैं। कानपुर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। यहाँ काकदेव क्षेत्र में शास्त्री नगर में बीजेपी पार्षद की दबंगई कैमरे में कैद हो गई। पार्षद महोदय खुद कानून से बेपरवाह हो चले और एक युवक गौरव ठाकुर पर टूट पड़े। पार्षद राघवेंद्र मिश्रा गौरव ठाकुर को लात घूसों से पीटते हैं, देर तक पीटते रहते हैं और इसके साथ ही उनके सहयोगी भी मारपीट करते हैं। यानी खुलेआम बीच सड़क पर गुंडागर्दी होती है, मारपीट की जाती है और जब इतने से भी पार्षद जी का मन नहीं भरता तो पार्षद जी युवक के सिर पर पत्थर से हमला कर देते हैं। और ये सारी की सारी दबंगई और ये सारी गुंडागर्दी वहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस हमले में घायल हुए गौरव को हैलेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहाँ उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी पार्षद गुंडागर्दी पर उतर आए और मारपीट करने लगे, तो जरा उन्हीं से उनकी सफाई सुनिए कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। एक हमारा वीडियो कोई सोशल मीडिया पे सीसीटीवी कैमरे का वायरल हो रहा है। मैं बताना ये चाहता हूँ कि ये मोहल्ले का नशेबाज है जिसका नाम है गौरव ठाकुर। आए दिन चौराहे पर छीटाकसी करना, लोगों से गाली गलौज करना, दुकानदारों से जबरदस्ती सामान छीनना, पूर्व में भी कई बार इन्हें समझाया जा चुका है। क्योंकि वो जिस चौराहे की घटना आप बता रहे हैं उस चौराहे पर लगातार चैन स्नैचिंग, लड़कियों से छेड़छाड़, पूर्व में कई अभियोग काकद थाने में पंजीकृत हैं। कल रात में ही कुछ ऐसे वाक्य स्थानीय लोगों ने मुझे फोन किया कि वहां से जो भी लोग निकल रहे हैं उनसे गाली गलौज और दुकान से सामान छीनना, तो उनको समझाने का एक प्रयास किया गया था। राघवेंद्र मिश्रा कोई अपराधी नहीं है, उनको पूर्व में भी कई बार समझाया लेकिन वो नहीं समझा रहे थे। जब उनको धक्का देकर हटाने का प्रयास किया तो उन्होंने स्वयं मारपीट करने का प्रयास किया, इसलिए ऐसा अपने बचाव में करना पड़ा। तो बीजेपी पार्षद का कहना है कि वो लड़का गाली गलौज कर रहा था, दुकानदारों को परेशान कर रहा था और जब उसे रोकने की कोशिश की गई तो वो और भी ज्यादा बदतमीजी करने लगा। चलिए ठीक है पार्षद जी, हमने मान लिया कि ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन आपने मारपीट क्यों की? आपने कानून को अपने हाथों में क्यों लिया? अरे पुलिस को बुला लेते, पुलिस के हवाले उसे कर देते, लेकिन बीच सड़क ऐसे मारपीट करना कहां तक सही है? और ऐसे ना जाने कितने सवाल लगातार बने हुए हैं। वह इस मामले में पुलिस की अगर हम बात करें तो पुलिस का कहना है कि घायल युवक के खिलाफ शिकायत आई है जिस पर कार्रवाई की जाएगी। कानपुर से रंजय सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।